ये निश्चित रूप से मैंने इस बात को वहां रखा कि स्थिति अध्यक्ष जी से जाननी चाहिए कि किस हालात में लाखों पुलिसकर्मी को सड़क पर उतारा गया है, इतने ब्रैकेट लगे हैं। ये सारे प्रशासन के अधिकारी आज प्रशासन के काम छोड़कर, अपना निजी दायित्व काम छोड़कर सारे आज सड़क पर कल से खड़े हैं। ये क्यों है? मैंने उस स्थिति के लिए पहले बोला कि झारखंड के मौलिक लोग अपनी पहचान के लिए, झारखंड के नौजवान अपने रोजगार के लिए, झारखंड के प्रकृति पूजक समाज अपना धर्मकोड के लिए, झारखंड के ओबीसी समाज अपने अधिकार के लिए जब सड़क पर उतरने की बात करता है तो उनके लिए इस तरह की व्यवस्था सरकार ने सजा के रखी। इतना एफर्ट जो है, अगर उसको सोल्यूशन के लिए अगर ये एफर्ट लगाते तो निश्चित रूप से इसका आज तक हल होता। ठीक है। झारखंड में सदन से लेके सड़क तक रांची के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उसको बैरिकेटिंग वहां कर दी गई और पूरे शहर को किले में तब्दील कर दिया गया था। हाउस के अंदर भी एजेसी सुप्रीमो सुदेश महतो ने इस मुद्दे पे आवाज उठाई कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, विधायकों को रोका गया, विधानसभा चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में उनसे बार बार उनको रोका जाना, इंटरवीन करना विधायी कार्यों में कहीं ना कहीं अमाउंट करता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में। आज एजेएसयू का एक कार्यक्रम था विधानसभा घेराव का, स्थानीय नीति को लेकर कि खतियान आधारित हो 1932, इसके अलावा नियोजन नीति को लेकर, साथ ही साथ इस बात को लेकर भी एजेएसयू का विरोध है, आज विरोध कर रहे थे कि सरना कोड को लागू किया जाए, तो ये तमाम मांगों को लेकर कर रहे थे। और यहाँ पे भी ये दलादली का इलाका है रांची में, यहाँ पे बैरिकेटिंग किया गया था, वाटर कैनन की व्यवस्था की गई थी, बड़ा फोर्स जो था वो लगाया गया था, लेकिन उस बैरिकेटिंग को एजेएसयू कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है और अब वो आगे आ गया है। हल्का सा बल प्रयोग पुलिस ने वहां जरूर किया लेकिन अब जो है उस बैरिकेटिंग को तोड़कर सब आगे आ गया है। और साफ तौर से एजेएसयू सुप्रीमो जो है सुदेश महतो, उनका ये कहना है कि जितना फोर्स और जितना बल लगाया गया एजेएसयू कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, इतना एफर्ट अगर मामले के समाधान को लेकर लगाया गया होता तो शायद ज्यादा फायदा होता। इस इशू को सरकार जो है, इस इशू पे कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकालना नहीं चाहती है, इसका कोई समाधान निकालना नहीं चाहती है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। बेशक रोकने के लिए फोर्स पूरा लगा दिया गया, सरकार अपनी दमखम लगा रही है, लेकिन कैसे इस इशू का समाधान किया जाए इसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। इसको लेकर बीजेपी विधायकों ने भी सदन के अंदर मुखर होकर बोला कि उन्हें भी रोका गया, बार बार जो है किले की तरह शहर को तब्दील कर दिया गया है। ये जरूर है कि अगर विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है तो विधानसभा के आसपास बैरिकेटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन पूरे शहर में क्यों रोका गया, ये क्यों ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है, विशेषाधिकार का हनन नहीं है, इस तरह के सवाल जो उठाए गए। और ये देखे मेरे ठीक पीछे आप दृश्य देख सकते हैं, वहाँ एजेएसयू के कार्यकर्ता जमा थे भारी तादाद में, पुलिस उन्हें बैरिकेटिंग के पास रोकना चाहती थी, वहाँ से उन्होंने बैरिकेटिंग को तोड़ दिया। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम बोकारो जिला आजसू सचिव हैं। हाँ हाँ सर, हम बताना चाहते हैं कि जो आज का विधानसभा घेरा का प्रोग्राम था, ये रांची में सिर्फ नहीं पूरे झारखंड में हर थाना में रोका गया, हर थाना में बैरिकेट लगा के रोका गया और आम जनता को परेशान किया गया जो आसू पार्टी में नहीं थे, चिन्हित करके भी आसू पार्टी में उसको रोका गया। और मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि तानाशाह की सरकार है ये। ठीक है, ओके। ये विधानसभा में ये बातें भी उठी कि ये आर्टिकल 21 जो है फंडामेंटल राइट, उसका भी उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और इस तरह से सरकार फोर्सिबली किसी को धरना प्रदर्शन और अपने भावनाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं रोक सकती है। ये तानाशाही रवैया है, ये विपक्ष का आरोप रहा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।